तो अभी देखिए आप मैजिक। अगर आप भी इस प्रकार से अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं एक सॉफ्ट बॉक्स जो कि हर प्रकार के कंटेंट क्रिएटर के पास होना ही चाहिए। अगर आपने अभी अभी यूट्यूब चैनल बनाई है और आप लाइटिंग के लिए परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको किस प्रकार की लाइटिंग चाहिए अपने वीडियो को शूट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइज, हमें इस प्रकार से चार पीस कट कर लेने हैं। इसके डायमेंशन भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, हमें इस डायमेंशन के पीस कट करने होंगे चारों। आप थोड़ा सा सोचिए गाइस, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि मैंने किस प्रकार से कट किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा। बाद में हमें चाहिए इस प्रकार का एक पीस 10x10 सेंटीमीटर का स्क्वायर में लिया है मैंने। तो ये हमारी कार्डबोर्ड की बात हो गई। बाद में हमें चाहिए इस प्रकार, बाद में चाहिए हमें ये दो DOB प्लेट, एक प्लेट 9 वॉट की है। तो यानी कि हमारा ये जो सॉफ्ट बॉक्स बनने वाला है वो टोटल हमारा 20 वॉट के अप्रोक्स का बनेगा। तो एक हमें चाहिए बटर पेपर या ट्रेस पेपर भी बोलते हैं कई लोग इसे, तो आपको ये ले लेना है। ये भी आपको 5-10 रुपये का मिल जाएगा, मुझे इतना सारा 5 रुपये का मिला है। अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप कोई भी सेमी विजिबल क्लॉथ या पेपर ले सकते हो, यानी कि जिसमें से हमें जो लाइट है वो पूरी ब्लर होके दिखे इस प्रकार से। तो इतने सारा इतने मेन कंपोनेंट की ज़रूरत है, अदर जो कंपोनेंट है वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। और सभी पीसों को हमें इस प्रकार से रखना है। बाद में हम इसे और अच्छे से टाइट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा काम निकल सके इसलिए आपको इतना करना है। तो अब इतना काम हो जाने के बाद जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल है उसको हम इस पे लगा लेंगे। मैंने सारे में एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिए। आपको हो सके उतना मैक्सिमम एरिया कवर करना है। और अभी आप नोटिस कर पा रहे होगे, जहाँ पे मैंने प्लेन लगाया है वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, जहाँ पे हमने इसे स्क्वीज कर दिया है। तो ये है, तो इस प्रकार से हमने करके लगाया है, तो इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको भी उसी प्रकार से लगाना है। और इधर देखिए, मैंने एक स्क्वायर कट किया है तो उधर हम ये स्विच लगाने वाले हैं। तो आप बोलोगे हम ये ऑन ऑफ के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम स्विच से ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके कनेक्शन भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो उससे पहले हमने जो स्क्वायर कट किया था उसे हम ले लेंगे। मैं जो हमारी ये DOB प्लेट है उसको बम फिक्स करने वाले हैं। तो देखिए, तो ये 220 वोल्ट से चलती है, मैं आपको बताना भूल गया। तो जो हमारा 220 वोल्ट का कोड है, एक में हम सीधा ही कनेक्ट कर देंगे, यानी कि उसके दो वायर इधर लगा देंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे का नेगेटिव हम इधर कनेक्ट कर देंगे, और जो इसका पॉजिटिव है उसको हम इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तभी ये दूसरी जलेगी, वरना सिर्फ हमारी एक ही जलेगी। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार से ब्राइटनेस कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। नहीं गजब बेइज्जती है। तो ये देखिए, ये कोड है वो। तो चलिए अब हम हमारे कनेक्शन करते हैं। तो उससे पहले हमारा बॉक्स जो है उसे पूरा बिल्ड कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, अब बॉक्स बिल्ड करने में कुछ ज्यादा है नहीं, अब हम इधर भी उसी प्रकार से हमारी टेप लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स बिल्ड हो गया है और ये इसमें इस प्रकार से लग जाएगी। इधर आपको गलती से भी एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगानी है, क्योंकि इधर हमारा 220 वोल्ट आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, तो आपको ऐसे ही रखना है। अब हम इसे और ज्यादा फिक्स करने के लिए इधर भी हमारा सब कुछ लगा देंगे। तो चलिए अब मैं आपको कनेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए हमारा कोड है, मैं इसे पीछे से निकाल दे रहा हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग जगह फिक्स कर सकते हो इसकी, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको इस प्रकार से दो वायर ऑल ले लेने हैं। तो देखिए, पॉजिटिव के साथ मैं पॉजिटिव मिला देता हूँ और नेगेटिव को आपको नेगेटिव के साथ नहीं मिलाना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखिए, जो इसका दूसरा वायर है, ये वाला काला वाला, उसको हम दूसरी डीओबी प्लेट के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस नेगेटिव को हमें इन दोनों के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है कॉमनली। तो देखिए, इतने कनेक्शन हो जाने के बाद हमें जो ये दो वायर मिलेंगे उसको सिंपली से आपको इस स्विच में कनेक्ट कर देना है, तो हमारे कनेक्शन सारे हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी आपको इसकी ब्राइटनेस पता चल रही होगी कितनी ज़्यादा है। अब मैं दूसरी प्लेट भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए कितना ब्राइट है ये, तो ये देखिए। और अब हम इस पे हमारा बटर पेपर लगा देते हैं। अब आप देखिए, आप मेरा हाथ देखिए, तो देखिए गाइज, मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अच्छे तरह से टेपिंग वगैरह भी कर ली है। अगर आप इसे और भी प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो इस पर आप कोई काला पेपर वगैरह भी लपेट सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये वैसे भी लग रहा है। तो चलिए, मैं आपको अभी इसकी टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ ही साथ मैंने एक दूसरा भी बनाया है। तो ये देखिए, तो मैंने एक ही जैसे दो बनाए हैं। आप मेरे हाथ को देखिएगा। अभी हम उसके दूसरे पार्ट को भी देखते हैं। अब आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ फोटोज क्लिक किए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो फ्रेंड्स, आपको इसकी टेस्टिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ।